And Doughty finishes off in style. A magnificent strike into the... हेलो एंड वेलकम टू डेली लेट्स प्ले। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मैं क्रिकेट अपडेट लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जो 17 तारीख से एडिलेड में शुरू होने वाली है। बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है आई एम श्योर। और जिस तरीके से अभी से ही जो एक बातों में जो एक टक्कर चालू हो गई है वो बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज हम जिस मैच के बारे में बात करेंगे वो करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला एक टेस्ट मैच जो एक टूर हुआ था जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का किया था 47-48 में। इस सब जानकारी के इन सब स्टैट्स के बारे में हमारे को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट मिस्टर मनोज कुमार। मनोज सर स्वागत है आपका। धन्यवाद चेतन जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत सही हूं सर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। सर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला जो दौर था जो पहला एक टूर था उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जो 47-48 के आसपास जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला टूर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया किया था उसके रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ हमें बताएं। इंडिया ने 1947-48 में आजादी के बाद पहली बार किसी टीम का अगर किसी देश का दौरा किया तो वो ऑस्ट्रेलिया था। इस दौरे में भारत ने कुल मिलाकर 5 टेस्ट मैच और 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले, कुल अगर कहा जाए तो 14 फर्स्ट क्लास मैच खेले गए। ये दौरा अक्टूबर 1947 से लेकर फरवरी 1948 तक खेला गया। इस दौरे में भारतीय टीम का कप्तानी लाला अमरनाथ ने की थी जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की भागदौड़ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने संभाली थी। ये पूरे ही तरह से दौरा भारतीय कप्तान लाला अमरनाथ का ही दौरा कहा जा सकता है। उन्होंने पूरे दौरे में सभी 14 के 14 प्रथम श्रेणी मैच खेले और एक बल्लेबाज की हैसियत से 58.1 की औसत से 1162 रन बनाए जिसमें 5 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। लाला अमरनाथ द्वारा खेली गई 228 रनों की अविजित पारी जो कि उन्होंने विक्टोरिया के विरुद्ध खेली थी अभी तक उस समय ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विदेशी खिलाड़ी द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानी जाती थी। लाला अमरनाथ ने मध्यम गति की गेंदबाजी करते हुए भी जलवा दिखाया और पूरे दौरे में 30 विकेट लिए। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि लाला अमरनाथ अपनी बल्लेबाजी की चमक टेस्ट मैचों में नहीं दिखा पाए। टेस्ट मैचों की 10 पारियों में सिर्फ उन्होंने 140 रन 14 की औसत से बनाए। लेकिन फिर भी उनके लिए संतोषजनक बात यह रही कि वो 13 विकेट लेकर टेस्ट मैचों में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। मैं जानना चाहता हूं कि जो ये दौर था ये जो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई है तो किस तरीके से वो प्लेयर्स का उस टाइम पे एक उत्साह रहा होगा और किस तरीके से प्लेयर्स क्योंकि प्रेशर होता है सर फॉरेन सॉइल में खेल पाना आज तक इंडिया के लिए बहुत ही मुझे लगता है कि मुश्किल है। जीते हैं लेकिन एक मुश्किल तो रहती है कि दूसरी की जगह जाकर खेलना और वो भी आप पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गए तो किस तरीके से सर प्लेयर्स ने अपने आप को प्रिपेयर किया होगा वैसे ये मैं थोड़ा सा जानने के लिए उत्सुक रहा हूँ। ये दौरा भारतीय टीम के लिए कोई किसी बहुत बड़ी चुनौती था क्योंकि इस दौरे से पहले ही विजय मर्चेंट रूसी मोदी फजल महमूद जो कि देश की आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और मुश्ताक अली जैसे प्लेयर इस दौरे में क्या वजह थी इसका मतलब अभी तक कारण हम नहीं बता सकते कि क्यों नहीं उनको शामिल किया गया या उन्होंने अपनी पर्सनल वजह से विड्रॉ कर लिया जैसे 4 भारतीय शामिल नहीं थे। विजय मर्चेंट तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका फर्स्ट क्लास में एवरेज सबसे ज्यादा है। विजय मर्चेंट किसी भी विकेट पर खेलने में माहिर थे। दूसरा बड़ी बात यह थी कि भारतीय क्षेत्र रक्षण इस दौरे में बड़ा खराब रहा। यही वजह थी कि वीनू मांकड़ जो कि उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर थे उन्होंने पूरे दौरे में 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले 61 विकेट लिए लेकिन वो टेस्ट मैचों में सिर्फ 12 विकेट ही हासिल कर सके। लेकिन उन्होंने
दो टेस्ट मैचों में शतक भी बनाए। कुल मिलाकर विनू मांकड ने इस दौरे में 889 रन 38.65 की औसत से 3 शतकों की सहायता से बनाए, जबकि उन्होंने गेंदबाजी के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में 61 विकेट लिए। लेकिन ये दौरा अगर किसी प्लेयर का शानदार प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है तो वो है विजय हजारे। महान विजय हजारे ने इस दौरे में 13 मैच खेले और वो लाला अमरनाथ के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने कि इस दौरे में 1000 से ज्यादा रन बनाए। विजय हजारे ने 13 प्रथम श्रेणी मैचों में 48 की औसत से 1056 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। और इसके अलावा दत्तू फटकर का भी प्रदर्शन सराहनीय रहा, उन्होंने 417 रन बनाए और 17 विकेट भी ली, जबकि बाकी सब खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा। जहां तक टेस्ट मैचों की बात कही जाए तो पहला टेस्ट हमारा गाबा, जो कि ब्रिस्बेन उस टाइम सबसे तेज विकेटों में माना जाता था, 28 नवंबर 1947 से लेकर 4 दिसंबर 1947 को खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 382 रन बनाकर घोषित कर दी। इसमें महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का 185 रनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। डॉन ब्रैडमैन इस पारी में लाला अमरनाथ की गेंद पे हिट विकेट आउट हुए। ये टेस्ट क्रिकेट में एकमात्र ऐसा मौका है जब डॉन ब्रैडमैन जैसे बल्लेबाज हिट विकेट आउट हुए हों। और भारतीय टीम जवाब में मात्र 21.3 ओवर में 58 के स्कोर पर सिमट गई, जिसके कारण उसे फॉलो ऑन करना पड़ा। फॉलो ऑन के बाद 49.7 ओवरों में भारतीय टीम दूसरी पारी में 98 के स्कोर पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोशाक, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे, ने पहली पारी में 2 रन देकर 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में 29 रन देकर 6 विकेट लिए। इस तरह से भारत ये टेस्ट मैच एक पारी और 226 रनों से हार गया। तो सर ये जो मतलब मेरे ख्याल में कि सीरीज तो हार गए होगी इंडिया, लेकिन जो वहां के प्लेयर्स थे उन्होंने दिल जरूर जीत लिए होंगे सभी के। हाँ जी जरूर जीते। अब जैसे कि दूसरा टेस्ट सिडनी में खेला गया, इसमें तो अगर बारिश अपना रंग ना दिखाती तो शायद भारत उसी समय अपनी टेस्ट क्रिकेट में मतलब विदेश में पहली टेस्ट क्रिकेट में ही पहली जीत दर्ज करता, क्योंकि भारत ने तो अपनी 1952-53 में इंग्लैंड के टेस्ट मैचों में पहली जीत दर्ज की थी। ये मैच सिडनी में खेला गया था। ये उस समय आपको ध्यान होगा 8 ओवरों का एक 8 गेंदों का एक ओवर होता था, आज तो 6 गेंदों का ओवर होता है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में 8 गेंदों का एक ओवर होता था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 ओवर में 188 रन बनाए, जिसमें दत्तू फटकर ने सर्वाधिक 41 और किशन चंद ने 44 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 107 रन बनाकर सिमट गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पारी को धाराशाही करने में प्रमुख भूमिका विजय हजारे की रही। विजय हजारे मूलतः एक शुद्ध बल्लेबाज थे जो यदा कभी लेग स्पिन गेंदबाजी कर लिया करते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा 29 रन देकर 4 विकेट लिए। तो दूसरी पारी में भारत ने जब 61 रन पर 7 रन बनाए तो उसके बाद वर्षा के कारण खेल हुआ ही नहीं, जबकि क्रिकेट विशेषज्ञ यही कहते हैं कि अगर भारत दूसरी पारी को मिलाकर कुल 170-180 रन की भी लीड ले लेता तो भारत ये टेस्ट आसानी से जीत सकता था, क्योंकि विकेट जरूरत से ज्यादा स्पिन ले रहा था और भारतीय गेंदबाज तो बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पर हावी थे। तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वर्षा ने भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल सर, और वो मंसूबे जो थे मुझे लगता है कि वो आगे जाकर के जिस तरीके से आज हमारी टीम्स खेलने लगी है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में ही हमने वनडे मैच हार गए, लेकिन इस टूर के दौरान में आज जो 2020 टूर की बात करूं तो वनडे सीरीज हम हार गए, लेकिन T20 में जो इंडिया ने कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है। अब हमें यही उम्मीद है कि वो एक बिल्डअप जो एक कॉन्फिडेंस है वो टीम थोड़ा चेंजेस आए हैं, लेकिन टेस्ट टीम में मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। बहरहाल विराट कोहली नहीं होंगे ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती रहेगी इंडिया को उस तरीके से लय में रहना, लेकिन रोहित शर्मा का वापसी आना वो
टीम में कुछ मुझे लगता है कि जान डाल देगा। सर आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको इस सीरीज से? भारत के लिए कोई श्रृंखला आसान नहीं है। एक तो विराट कोहली सिर्फ एडिलेड टेस्ट खेल के अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज तक एक भी दिन रात्रि ये टेस्ट मैच नहीं हारा। डे नाइट ऑस्ट्रेलिया ने आज तक 7 टेस्ट मैच खेले हैं और 7 के 7 जीते हैं, और एडिलेड का विकेट तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत जबरदस्त सूट करता है डे नाइट मैचेस के लिए। और भारत ने अभी सिर्फ एक ही मैच खेला है, वो भी बांग्लादेश के विरुद्ध कोलकाता में। तो बांग्लादेश की टीम के साथ भले ही भारत जीत गया हो, तो उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं की जा सकती। और आपको हैरानी होगी कि आप विराट कोहली 1247 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो उनकी कमी तो खलेगी। हालांकि रोहित शर्मा अब भारतीय टीम में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन के कारण 2 टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरी 2 टेस्ट मैचों में भी क्या होता है तो बड़ा मुश्किल है, तो रोहित शर्मा की कमी तो खलेगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सलामी बल्ले कौन करेगा, पृथ्वी शाह तो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, हालांकि मयंक अग्रवाल अपनी अच्छी लय में है, लेकिन अब ये देखना है कि KL राहुल ओपन करते हैं या पृथ्वी शाह। बिल्कुल सर, ये तो देखने वाली बात होगी, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है एक जो प्लेइंग 11 चुनना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कोच के लिए भी और कैप्टन के लिए भी। और हमें उम्मीद करते हैं कि, मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा टीम में नहीं है, लेकिन टीम में जितने भी खेल पाए वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि वो टेस्ट में उनका रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा सा उनका तालमेल नहीं बैठ पाता टेस्ट मैच के साथ। लेकिन उम्मीद यही है कि एक अच्छा चुनौती भर मैच उनकी तरफ से भी हमें एक नॉक देखने को मिले। और रही बात विराट कोहली की, बिल्कुल आपने सही कहा, विराट कोहली बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है इंडिया टीम के। अगर वो खेलते हैं और अच्छी तरीके से खेलते हैं तो पहला टेस्ट में वो जलवा देखने को हमें मिल सकता है। डे नाइट टेस्ट की बात करूं तो इंडिया ने एक टेस्ट खेला है डे नाइट का बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपने बताया, और वो जीत गए थे, और वो बहुत आसानी से जीत हुई थी, 3 दिन में वो मैच खत्म हो गया था। पिंक बॉल से खेला जाता है डे नाइट का मैच। हम उम्मीद करते हैं कि नया जो सीरीज शुरुआत हो वो इंडिया की फेवर में हो, बट हाँ ऑस्ट्रेलिया टीम को आंकना कम वो बिल्कुल गलत होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन एज अ इंडियन क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा कि इंडिया टीम जीते। थैंक यू सो मच मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। मैं सभी व्यूअर्स से कहूंगा कि आप डेली लेट्स प्ले को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, और जितना आप हमारे को साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Thank you.